शरा के धाकड़ एक्शन पर कैसा होगा परिवार का रिएक्शन। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। आज तो हम बाल बाल बच गए। अच्छा हुआ नंदिनी ने हमारे हाथ का सिर्फ गोदना ही देखा, चेहरा नहीं। ऐसे शंकर भगवान के गोदने तो यहां हर दूसरे यात्री के हाथ पर मिलेंगे। पर ये पृथ्वी है बहुत चालाक, अंगूठी का बहाना कर महाराज भीमदेव की योजनाओं का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। अरे मूर्ख, पृथ्वी की बहादुरी के किस्से लोग ऐसे ही नहीं सुनाते। हमें महाराज भीमदेव को खबर कर देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मुझे इस खेल में मजा आने लगा है। पृथ्वी को ऐसे ही नहीं हराया जा सकता, उसे छल कपट से हराना होगा। और मेरे पास एक चाल है। कैसी चाल? ये पृथ्वी नंदिनी का इस्तेमाल कर हमें रास्ते से हटाना चाह रहा था ना, अब उसी नंदिनी का इस्तेमाल कर हम उसे अपने रास्ते से हटाएंगे। सूर्या, हमारी नंदिनी को यहाँ अकेले भेजने की चाल तो ठीक थी, पर उसमें गलत आदमी फंस गया। क्या क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है मैं गलत हूँ, फंस गए। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, वो मैं। तो इसीलिए तुमने हमें यहाँ अकेले बुलाया था, और हम समझ रहे थे कि अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। तुम्हें पता है, हमने सुराली से भी ये बात छुपाई कि हम तुमसे मिलने आ रहे हैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर, और तुमने तो मैं तुमसे बस अब आगे कुछ मत कहना, हम सब समझ गए। तुम्हें पता है इस वक्त तुम पे गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पर उससे भी ज्यादा दुख हो रहा है हमें। जिंदगी में पहली बार हमने किसी दोस्त पर इतना भरोसा किया था, तुमने तो हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाया। सूर्या, हम तो सच में बेवकूफ निकले ना। हम सच में बेवकूफ निकले सूर्या, हम सच में बेवकूफ निकले। हमने आपको अकेले बाहर जाने से मना किया था ना, आप इस बात को क्यों नहीं समझती कि आप नंदिनी नहीं कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता है। आज फिर किसी ने आपके जान पे हमला किया, किया ना? अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, कल सुबह होते ही हम कन्नौज वापस चले जाएंगे। आप बोल क्यों नहीं रही है? सूर्या, नाम मत लो उसका, नाम मत लो उसका।
जब से ये सूर्या मिला है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। आप अभी बहुत नादान हैं संयोगिता। अपनी सपनों के महल से निकलकर दुनिया को देखने की कोशिश कीजिए। यहां बुराइयां भी होती है। आज किसी ने आपके जान पे हमला किया, आप इस बात की गहराई को क्यों नहीं समझती संयोगिता? संयोगिता हमें घर वापस जाना है सिराली, हमें यहां से ले चलो, हम कनौज वापस जाना चाहते हैं। चुप हो जाइए संयोगिता, चुप हो जाइए। हम कल सुबह ही कनौज चले जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चुप हो जाइए। हम तुमसे माफी मांगने आए। मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने का बिल्कुल समय नहीं। लेकिन हमने तो अपनी गलती मान ली है। तुम सच में बहुत बुरे हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हो। न शुक्रिया न माफी, हम ही गलत थे। एक तो पहले तुम्हारे लिए खाना बनाया और आज सारी यात्रियों से तुम्हारे लिए लड़ाई की। हमें कोई अंगूठी नहीं चुराई है, हमें माफ कर दो। हम तुम्हें शुक्रिया कहना चाहते हैं, तुमने हमारी जान जो बचाई, आज तुमने हमारे लिए जो किया है वो हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो इसीलिए तुमने हमें यहाँ अकेले बुलाया था, और हम समझ रहे थे कि अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। तुम्हें पता है हमने सुराली से भी ये बात छुपाई कि हम तुमसे मिलने आ रहे हैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर, और तुमने तो हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाया। सूर्या, हम तो सच में बेवकूफ निकले ना। जा रहे हो पृथ्वी? नंदिनी से माफी मांग ली। उसका कोई फायदा नहीं। कुछ कामों में फायदा या नुकसान नहीं देखा जाता। नंदिनी, नंदिनी। सूर्या बेटे, बेटे वो लोग सुबह सुबह ही ये यात्रा छोड़कर जा चुके हैं। नहीं पृथ्वी, तुम ये नहीं कर सकते। कुंडीर बिल्कुल सही कह रहा है पृथ्वी, तुम यात्रा को छोड़कर नंदिनी के पीछे कैसे जा सकते हो? अगर यहाँ कुछ हो गया तो, और अगर नंदिनी को कुछ हो गया तो उसकी जान खतरे में सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, और उसकी जान बचाना मेरी ही जिम्मेदारी है। पर पृथ्वी, उससे भी बड़ी जिम्मेदारी हमारे सामने है। 5 दिनों में हम काशीपुर पहुंच जाएंगे, यानी कि यात्रा के दूसरे पड़ाव तक। हमारे पास भीमदेव के गुप्तचरों को ढूंढने के लिए बहुत कम समय है।
राजकुमारी चमकी कह रही थी कि उसकी सहेली नंदिनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नंदिनी की जान पर यहाँ पर पहले भी हमला हो चुका है। जरा सोचो, जंगलों के रास्ते में उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तुम सब यात्रा में आगे बढ़ोगे, मैं नंदिनी को वापस इस यात्रा में लाऊंगा। भरोसा नहीं अपनी पृथ्वी पर? सूर्या, नंदिनी को यहाँ अकेले भेजने की हमारी चाल तो ठीक थी, पर उसमें गलत आदमी फंस गया। आप अभी बहुत नादान हैं संयोगिता। अपनी सपनों के महल से निकलकर दुनिया देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ बुराइयाँ भी होती है। हम उन सबकी तरह जीना चाहते हैं। हम कुछ समय के लिए इस महल से आजाद होना चाहते हैं दादी माँ। हमें बाहर जाना है दादी माँ। देखो संयोगिता, तो हुआ उसे भूल जाओ। अब हम कनौज वापस जा रहे हैं ना, वहां तुम्हें कोई सूर्य नहीं सताएगा, ठीक है? चलो अपने आंसू पोंछ लो। अरे वो देखो आम का पेड़, कनौज वापस जाने से पहले चढ़ना है उस पे। ठीक है चलो चलते हैं। पालकी रोको, चलो।
किसी दोस्त पर इतना भरोसा किया था और तुमने तुमने तो हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। हम तो सच में बेवकूफ निकले ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें चुने की? नहीं, मैं तो तुम्हें बचाने आया था। तुम्हारे हाथों से बचने से तो अच्छा है कि हम मर जाते। राजकुमारी, राजकुमारी, सिराली, चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें ये यात्रा छोड़कर यहाँ इस तरह जंगल में अकेले नहीं आना चाहिए था। तुम्हें बताए तुम्हारी जान को कितना खतरा है? इससे तुम्हें क्या? देखो नंदिनी, मैं सिराली, चलो हमें आगे बढ़ना है। नंदिनी, हमारी चाल कामयाब हो गई है। पृथ्वी नंदिनी के पीछे जा रहा है। जाओ, ये संदेशा लेकर किसी को तुरंत हजीरा भेजो, पाषाण के पास। पाषाण? ये पाषाण कौन है? मौत का फरिश्ता। वो मौत को किसी मूर्ति की तरह तराशता है। मैं पृथ्वीराज की किस्मत उसके हाथों से लिखवाना चाहता हूं। जाओ, हमें अब ये खेल खत्म करना है। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें यात्रा में वापस जाना चाहिए। यहां नंदिनी की जान को खतरा हो सकता है और यात्रा में वो यात्रियों के बीच सुरक्षित रहेगी। हमें नहीं लगता। यहां अकेले जो डाकू आते हैं दूसरों की तरह पीठ पीछे तो वार नहीं करते, जो करना है सामने करते। तुम कोई बात क्यों नहीं समझती? सुराली, चलो, हमें लगता है आगे कोई गांव मिलेगा, वहां किसी की मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ अपनी यात्रा पर। मैं तुम्हें यहाँ से लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। चलिए सुराली, आगे बढ़िए। इसे लगता है कि यहाँ सब लोग इसकी मदद करने बैठे। आगे गांव मिलेगा तो इसे खुद पता चल जाएगा कि यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, सब अपने बारे में ही सोचते हैं। बात तो ऐसे करती जैसे कहीं की राजकुमारी हो। सूर्या ठीक ही कह रहा है नंदिनी। आगे कोई गांव मिलेगा तब सोचेंगे कि क्या करना है। तब तक इसका हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। चलो चल। अगर हम राजकुमारी की तरह बातें करते हैं तो ये भी अपने आप को किसी राजकुमार से कम नहीं समझता। खतरा हमारी जान को है या ये यहां अपनी जान बचाने आया है, इसका कोई भरोसा नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।